राजनांदगांव में 3 दिन पहले ही पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री लीलाराम भोजबानी का निधन हो गया था, जिसके चलते भाजपा नेता लीलाराम भोजबानी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे और इन्हीं के साथ रायपुर से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल और धर्मलाल कौशिक भी शामिल हुए। वहीं सभी भाजपा नेताओं ने चुनावी मुद्दों पर चर्चा की। क्षति है, मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिजन और हम सबको इस असीम दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। और हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि हम उनके जैसे कार्यकर्ता बने, उनके बताए हुए। गरीबों के मकान को छीनने का पाप किया है, लोगों के घर में नल लगे उसमें भारी भ्रष्टाचार करके लोगों के घरों तक नल नहीं पहुंच रही है, तो ये सरकार का जाना तय है और भारतीय जनता पार्टी का आना तय है। भारतीय जनता पार्टी ने 21 सीटें 3 महीने पहले तय कर अगुवाई ले ली है और आगे तक आगे बनी रहेगी। पेंशन जो भत्ता के नाम पर, बाकी को जो पेंशन के नाम पर, और इस सरकार ने कुल मिलाकर के 5 साल ये दिखा दिया है कि केवल वोट लेने की सरकार है, लेकिन जब वादा निभाने की आई है तो इन्होंने वादा खिलाफी किया है। जनता उनको सबक सिखाएगी। नवम्बर के इंतजार। थैंक यू।